उत्तराखंड में 3 दिनों तक बरसात का येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश के 7 जिलों में 3 दिन तक के लिए बरसात का अलर्ट है। 6 जुलाई तक भारी बरसात के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली में ये अलर्ट है। पर्वतीय इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। तो देखिए, लगातार मौसम करवटें बदल रहा है। लगातार देखा यह जा रहा है कि अचानक से या तो गर्मी बढ़ जाती है और उसके बाद जब बरसात होती है तो अपने साथ कहर लेकर आती है। पहाड़ी राज्यों में वैसे भी समस्याएं बरसात के साथ बढ़ जाती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर का रुख करते हैं। जी नासिर, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही है? मौसम महकमे ने तो चेतावनी दे दी है, लेकिन पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, आम लोगों के जनजीवन पर भी बड़ा असर है बरसात का। मानसून शुरू होने के बाद से लगातार बरसात हो रही है और बरसात में किसी दिक्कत या परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि बरसात का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अपील भी की गई है कि वो ऐसे इलाकों में ना जाए जहाँ पर पानी भर रहा है या फिर भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। खासकर जो यात्री हैं उनके लिए भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है और उनसे भी कहा गया है कि जो यात्री आ रहे हैं वो अपनी व्यवस्थाएं करके यात्रा का रुख करें, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन हो सकता है। अलर्ट देख लें, जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर देख लें कि कहाँ कहाँ से उनको जाना है और जिन जगहों पर भूस्खलन हो रहा है वहां पर ना जाए। बरसात लगातार जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। देहरादून में भी बारिश सुबह हुई थी और देर रात भी बारिश हुई थी। तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कई जगह पर जहाँ पर पानी भरता है वहाँ पानी के निकासी के इंतजाम प्रशासन की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बरसात का अलर्ट 4 दिन का जताया, यानी अगले दो दिनों तक भी बारिश होती हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुँचाई है। नासिर, तो उत्तराखंड में 3 दिनों तक के लिए बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।